हाय दोस्तों, बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझसे पूछ रहे थे कि सीटाफिल क्लिंजर को कैसे इस्तेमाल करना है। तो आज का वीडियो डिटेल्ड वीडियो है अबाउट सीटाफिल क्लिंजर। आज के वीडियो में मैं आपको रिव्यू प्लस डेमो दोनों देने वाली हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज का वीडियो बहुत जानकारी पूर्ण होने वाला है। वेलकम टू ओम योर हेल्पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूले। आप लोगों को मैं पहला पॉइंट जो बताने वाली हूँ वो है इसके साइज के ऊपर। मार्केट में इसके दो साइज आते हैं, एक 125 ml का और ये एक 250 ml का। आप Amazon से ऑर्डर कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से चेक कर ले, पर पहले इस वीडियो को पूरा देख ले। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि आप लोग को मन में जरूर ये सवाल उठता होगा कि हमें ये क्यों यूज करना चाहिए, इस क्लिंजर में ऐसा है क्या। तो मैं आपके इसके बेनिफिट्स के बारे में बता देती हूँ। पहला पॉइंट, ये क्लिंजर नॉन इरिटेटिंग है, बहुत ज्यादा जेंटल है जो कि काफी अच्छी बात है। ये स्किन के मॉइस्चर को बनाए रखता है, ये आपके स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं बनाएगा और स्किन बहुत सॉफ्ट, स्मूथ एंड हेल्दी लगेगी। इसमें ऐसा लिखा हुआ है और सच में ये स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करती है। अगर आप इस क्लिंजर को यूज करते हैं तो स्किन का पीएच बैलेंस रहेगा। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये फ्रेग्रेंस फ्री है, क्योंकि ये माना जाता है कि जिस प्रोडक्ट में जितना कम फ्रेग्रेंस होगा वो प्रोडक्ट उतनी ही ज्यादा अच्छी है और सेफ है। ये आपके पोर्स को ब्लॉक नहीं करती है, जिससे कि पिंपल, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड की प्रॉब्लम कम हो जाती है। और इस प्रोडक्ट को डर्मोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं, मतलब कि स्किन डॉक्टर भी इस प्रोडक्ट को यूज करने की सलाह देते हैं। ये तो हमने बात कर ली कि इस प्रोडक्ट को यूज क्यों करना चाहिए, अब बात करते हैं कि इसमें खामी क्या है। इसमें बस एक प्रॉब्लम है कि इसमें पैराबिन है। अब पैराबिन क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, ये एक तरह का प्रिजर्वेटिव होता है जो प्रोडक्ट को खराब होने से बचाता है। मैंने ऑलरेडी पैराबिन के ऊपर एक यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया हुआ है, मैं उस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो से आपको पता चलेगा कि पैराबिन सेफ है कि अनसेफ। अब बात करते हैं इसे यूज कैसे करना है। मैं आपको इसका डेमो देने वाली हूँ, पर वो लास्ट में दूंगी। मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो क्लिंजर है ये सोप फ्री है, इसका मतलब कि इसमें झाग यानी कि लेथर नहीं बनेगा, ठीक है। और ये बहुत एवरीडे क्लिंजर है, आप इसे रोजाना अपने जीवन में यूज कर सकती हैं, डेली यूज करें अपने चेहरे पर, और आपकी स्किन कितनी भी ड्राई और सेंसिटिव हो ये बिल्कुल भी आपके लिए हार्मफुल नहीं रहेगी। आप इस क्लिंजर को एक दिन में दो बार यूज करें, एक मॉर्निंग के टाइम और दूसरा रात को सोने से पहले। प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि 3 बार से ज्यादा एक दिन में इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपकी स्किन ऑलरेडी ड्राई है और बार बार चेहरे को पानी से धोने से आपकी स्किन की नेचुरल ऑयल निकल जाएगी और फेस डल हो जाएगा। आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करें पर बार बार ना धोए। आप इस क्लिंजर को दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला, आप कॉटन में इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा ले लें अपने चेहरे के अनुसार और फिर आप इसे जेंटली अपने चेहरे पर वाइप कर लें, और फिर आपको इस प्रोडक्ट को धोने की जरूरत भी नहीं है, आप इसे अपने चेहरे में वैसा लगा छोड़ सकते हैं। दूसरा तरीका जिसे मैं पर्सनली यूज करती हूँ, जब आपके स्किन में कोई भी मेकअप का प्रोडक्ट नहीं लगा हुआ है, जैसे कि फाउंडेशन, बीबी क्रीम, आईलाइनर, आईशैडो, ये सब आपके चेहरे पर नहीं लगे हुए हैं, ऐसा तब होता है जब हम सुबह सोकर उठते हैं, हमारा फेस में बस एक मॉइस्चराइजर रहता है, तब आप क्या करें कि आप अपने फेस को पानी से धो ले, गीला कर ले, और अपने फेस के साइज के अनुसार आप क्लिंजर को ले ले। जनरली मैं एक पंप यूज करती हूँ, उस एक पंप जो आपने क्लिंजर को लिया है उसे अपने फेस पे अच्छे से फैला ले, स्प्रेड कर ले, और उसे कम से कम 1 मिनट के लिए बहुत अच्छे से मसाज करें अपने फेस में। आप ऐसा देखेंगे कि उसमें थोड़ा सा भी झाग या लथर नहीं बन रहा है, तो इस वजह से आपको लग सकता है कि अच्छे से आपका फेस क्लीन नहीं हुआ है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपका चेहरा बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका रहता है। आप सिंपली अपने चेहरे को 1 मिनट तक क्लिंजर से मसाज करने के बाद आप वॉश कर ले और टॉवल से पैट ड्राई कर ले। यूजुअली आप जितना पंप क्लिंजर यूज करती हैं उससे एक पंप ज्यादा ले, जैसे कि मैं एक पंप डेली यूज करती हूँ, तो मेकअप रिमूव के लिए मैं 2 पंप का इस्तेमाल करती हूँ। दोस्तों अब मैं आपको इसका डेमो देने वाली हूँ। मैं यहाँ पे काजल लगा लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पे हमने काजल लगा लिया। मैं यहाँ पे लिपस्टिक लगा देती हूँ, ये हमने लिपस्टिक लगा दिया आपने देखा,
अब मैं करूंगी इस पर डेमो कि ये कितना अच्छे तरीके से साफ होता है कि नहीं। अब मैं इसे पानी से वॉश कर लेती हूँ, थोड़ा सा गीला कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने इसे हल्का सा गीला कर लिया पानी से। अब जो है मैं अब क्लिंजर लूंगी। क्लिंजर के मैं 2 पंप लूंगी। मैंने यहाँ 1 पंप लिया, 2 पंप। ठीक है, अब क्या करूंगी मैं कि मैं इसे अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसे स्प्रेड कर दिया और मैं 1 मिनट के लगभग इसे इस तरह से लगा रहने दूंगी। ठीक है, 1 मिनट के बाद मैं इसे अच्छे से मसाज करूंगी। ये मैंने इसे यहाँ पे लगा दिया। दोस्तों, क्लिंजर को मेरे हाथ पे लगे हुए 1 मिनट हो गया है। अब मैं इसे अच्छे से मसाज करूंगी और कम से कम हमें 5 मिनट तक इसे मसाज करना होगा, क्योंकि ये हमारे हाथ की जो गर्मी होती है उसी से ये मेकअप जो है वो मेल्ट करता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत ज्यादा लेथर नहीं बन रहा है, बहुत माइल्ड लेथर बनता है। दोस्तों, ये मेकअप को रिमूव करने के लिए कम से कम 5 मिनट लेता ही है, स्पेशली आईलाइनर और लिपस्टिक जैसे प्रोडक्ट को हटाने के लिए। देखिए, आपको बहुत हद तक दिख रहा होगा कि मेकअप बहुत लाइट हो गया है। यहाँ हल्का हल्का पिंक दिख रहा है, काला काजल भी बहुत हल्का सा दिख रहा है। अब और हम थोड़ा देरी करेंगे। आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा क्योंकि मेकअप को रिमूव करने में ऐसे भी टाइम लगता है, और इससे जल्दी तरीका नहीं है मेकअप को रिमूव करने के लिए एक अच्छे माइल्ड क्लींजर से। और ये आपका स्किन को ड्राई भी नहीं करता है, और जो भी पोर्स में फंसे होंगे मेकअप के पार्टिकल्स, उन्हें भी ये बहुत अच्छे से निकाल लेगा। आप बस देखते रहिए। देखिए, अभी तक मैंने नहीं धोया है और आप देख सकते हैं काजल का पूरा ये यहाँ पर हट चुका है। लिपस्टिक की हल्की सी पिंक स्टेन अभी भी है। ठीक है, तो मैं इसे अभी और मसाज करती हूँ। आप देख सकते हैं मसाज करते क्लिंजर अंदर घुस चुका है। ठीक है, अब लिपस्टिक भी देखिए, लिपस्टिक का स्टेन भी नहीं है। नहीं है बिल्कुल बिल्कुल, अब लिपस्टिक का स्टेन नहीं है। ठीक है, या मेरा प्रोडक्ट ड्राई भी हो गया, पूरा अंदर घुस गया स्किन के और सारे स्टेन हट गए। आपने देखा, इसने मेकअप को हटा दिया। अब मैं इसे कर लेती हूँ वॉश। सी, यहाँ कोई काजल का स्टेन नहीं है। हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और आप इस शेयर बटन पर क्लिक करके व्हाट्सएप और फेसबुक में बड़ी आसानी से आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ओम योर हेल्पर।